हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक के बने प्रोडक्ट का जो आजकल स्कोप है वो कितना बढ़ चुका है। आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा स्कोप प्लास्टिक का बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हो, कोई शॉप खोलना चाहते हो, कोई उद्योग खोलना चाहते हो, ये वीडियो आपके ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी ज़रूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में सारी बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारी जो वीडियो आती है, अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, आपको उतना टाइम नहीं होता, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पीडीएफ का। ये दीपक सर का नंबर है, आप इससे पीडीएफ इस नंबर पर संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल फादर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और हम और आप जुड़े रहें, आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी ज़रूरी जानकारी, प्लास्टिक इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन होनी है वो आप ध्यान से समझिए। प्लास्टिक उद्योग किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग न सिर्फ घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं बनाने में किया जाता है, बल्कि गाड़ियां, हवाई जहाज, कृषि उपकरण, जल प्रबंधन की मशीनों एवं उपकरण, दूर संचार के उपकरणों, ये दूर संचार का उपकरण हो गया, इत्यादि में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। हालांकि वर्तमान में भारतीय उद्योग जो सबसे बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं वह यह है कि प्लास्टिक का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन इस समस्या के निदान हेतु प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो नए प्रोडक्ट भी बनाती हैं और रिसाइकलिंग प्लांट भी उन्होंने अपने लगा लिए हैं, क्योंकि जो रिसाइकलिंग प्लास्टिक आती है वो अपनी कंपनी में ही रिसाइकल करके वो दोबारा से नई पार्ट बना देते हैं, नए प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसमें प्लास्टिक को दोबारा उपयोग में लाने हेतु तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझसे कहोगे कि प्लास्टिक की शॉप खोलनी है, सर क्या क्या इसके लिए टिप्स हैं, वो अगर आप मुझसे लेना चाहोगे तो आप मुझे नीचे कमेंट पर बता दीजिए, मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पर लेके आ सकता हूँ, मतलब आपको आने वाले टाइम में उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, प्लास्टिक उद्योग क्या है, व्हाट इज़ प्लास्टिक इंडस्ट्री, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत सारी है, बहुत सारे सिटी में है, बहुत बड़ी बड़ी सिटी में है, अधिकतर उन सिटियों में है जहां पर रेलवे जाती है, रेल जाती है, उन सिटियों में नहीं लगाई गई जहां पर रेल नहीं जाती, ट्रेन नहीं जाती, उन क्षेत्रों में छोटी छोटे जो प्लांट हैं वो हो सकते हैं, वो उद्योग हो सकते हैं, लेकिन बड़े प्लांट अधिकतर लोकेशन को देख के लगाए जाते हैं, ताकि जो ट्रांसपोर्ट है उसकी सुविधा उन्हें मिल सके। तो प्लास्टिक उद्योग क्या है, व्हाट इज़ प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक उद्योग से हमारा तात्पर्य उन सब उद्योगों से है जिनमें प्लास्टिक और उससे बनने वाली वस्तुओं का निर्माण व्यावसायिक तौर पर किया जाता है, मतलब जिनमें प्लास्टिक और उससे बनने वाली वस्तुओं का निर्माण व्यावसायिक मतलब बेचने के लिए, खरीदने बेचने के लिए किया जाता है, खरीदने बेचने के तौर पर किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग अधिकतर हर तरह की वस्तुओं और इंडस्ट्री में किया जाता है, जो कि आप ये पिक देख सकते हो, हर तरह के इसमें प्रोडक्ट हैं, मतलब जितने इस पिक्चर में आ पाए मैंने उतने प्रोडक्ट इसमें रख दिए। ये जग है, ये मग है, और ये डलिया है, हेलमेट है, बाल्टी है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मैंने आपको दिखाए हैं इसमें। प्लास्टिक का उपयोग अधिकतर हर तरह की वस्तुओं और इंडस्ट्री में किया जाता है, इनमें से मुख्य रूप में ऑटोमेटिव, कृषि कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल और FMCG इंडस्ट्री में प्लास्टिक का उपयोग बहुतायत मतलब अधिकतर रूप में किया जाता है, मतलब होता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी उद्योग में प्लास्टिक के मग, जग, टोकरी, हेलमेट, बाल्टी, लंच बॉक्स, कंघी, टोंटी इत्यादि बनाने के काम होता है, तो उस उद्योग को हम प्लास्टिक उद्योग कह सकते हैं। दोस्तों, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, जिन कंपनी में, जिन उद्योगों में ये सारी चीज़ें बनती हैं, आप उस उद्योग को प्लास्टिक उद्योग कह सकते हो।
तो दोस्तों यही आपको इस वीडियो में बताना था, आज मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए, और दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आने वाली है वो भी समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक है हमारा, दो टॉपिक है, नंबर एक है प्लास्टिक बिजनेस स्कोप, प्लास्टिक का जो बिजनेस है उसका स्कोप आने वाले टाइम में कितना है और आज के टाइम में कितना है। नंबर दो है प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट बनाने की विधियाँ, जो प्लास्टिक के उद्योग में प्लास्टिक ऑब्जेक्ट मतलब प्रोडक्ट बनाने की जो विधियाँ हैं वो बताऊंगा मैं आपको उस वीडियो में। टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ वेट। तो आप उस वीडियो का वेट करते रहिए, वो मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट में हमें बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।